बात तो इंसान में मोहब्बत होनी चाहिए। पैसा क्या, पैसा तो आते जाते रहता, पैसे से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो बस अभी 10-15 मिनट में निकल जाऊंगा गाइस। तो क्या बोलते सालिया? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? मुझे आप सब कैसे हैं? आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग का वेलकम है सालिया अपने शेख के ब्लॉग में। तो आज मेरे शोहर चले जाएंगे मुंबई के लिए, रवाना हो जाएंगे। देखे इतना दिन था फिर भी बोलते कि तुम्हारे मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारे बिना जी नहीं लगेगी। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इतना दिन था फिर भी इनको लग रहा है कि मैं था ही नहीं, ऐसे कि जा रहा हूँ तो फिर बोल रहे तो तुम चले जा रहे हो, तो जा रहा ना, इतना दिन हो गया ना, और चले जाएंगे इनके बिना मेरा जी। हाँ तो हंस भी रहे, बोलते जी भी नहीं लगेगा, छुट्टी वादा कर रहे तुम। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी फातिमा को, फातिमा सलाम कर दे। चलो अब्बू जा रहे हैं, टाटा अब्बू जा रहे हैं। बाबू लो मेरी बच्ची को, थोड़ा सा प्यार कर लूं मैं फटाफट। हाँ प्यार कर लो मेरे बच्ची को, ऐसे पप्पी ले लो। अल्लाह। अच्छा नहीं पकड़ो। मेरा बैग तो तैयार हो गया, कल ही रेडी कर दिए थे इसको, अभी साइड में रखते हैं। हाँ यहाँ पे मेरे लिए आमलेट और रोटी तैयार की जा रही है। चलो डाडा अब्बू जा रहे हैं, बाय 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 वाह, बाय भी बोल रही, बाय सलाम कर दो सबको, अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलो बाबा बाय बाय। हाँ हो गया, रोटी में रख के रख। हाँ डालो ऐसी, चलेगा। 12-1 बजे खा लेता हूँ मैं खाना ट्रेन में। हाँ डाल दो ऐसी, आ जाएगा, बस दो ही तो है बस। और ये दो तो चार दे रहे, तो भी लगेगा ना नाश्ता वाश्ता कभी कर रहे तो। अच्छा अभी नाश्ता भी तो चलो चलो। हाँ चलो 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 जा रहा हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे चप्पल तो पहनने था मेरे को। चलो ध्यान रखो अपना सब लोग, आता हूँ इंशाल्लाह इसी महीने में फिर वापस। जल्दी जूता अच्छा है। चलो 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 अब्बा टाटा। चलो अल्लाह, अरे मेरे बच्चे को तो दो यार, बच्चे को प्यार कर लूं मैं जरा सी। तुम्हारी बच्चा मेरा बेटा, मेरा बेटा, टाटा कर दो सबको, टाटा। चलो अब्बू के साथ में टाटा टाटा कर दो सबको, चलो टाटा कर दो, टाटा टाटा। दांत कुछ कुछ आ रही है ये। देखो ना यार एंड टाइम पे रिक्शा विक्शा भी नहीं मिलती है, सर्कल से ही लेना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा खोल लेता इसको ऐसा। चलो मैं अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखना, आता हूँ इंशाल्लाह फिर। हाँ हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इंशाल्लाह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा ससुराल हाँ सबको मिले। देखा आप लोगों ने, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ससुराल में रह कर मतलब जिल्लत की वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है और इज्जत देने वाला भी अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इज्जत ही मिली, अल्लाह से दुआ है कि आगे भी इज्जत ही मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनकी इज्जत करते हैं और वो भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं, चाहे एक महीना रहूँ चाहे कितना भी रहूँ, कोई दिक्कत नहीं होती अल्लाह के करम से। और मेन बात तो इंसान में मोहब्बत होनी चाहिए। पैसा क्या, पैसा तो आते जाते रहता, पैसे से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। यार यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रही है, बाप रे पैदल जाना पड़ेगा क्या? वो पीछे साइड देखो एक रिक्शा खड़ी है, चलो इससे पूछते ही चले। तो फाइनली रिक्शा ले लो, चले पहुँच गया हूँ। तो चले पहुँच गया हूँ मैं बस स्टॉप, और यहाँ पे देखते हैं मंडमाट की बस कौन सी है, पूछ लेता हूँ बस, नहीं तो फिर अगली बार मुझे जैसे गया था ना वैन में उधर से जाना पड़ेगा, तो एक बार पूछ लेता हूँ मंडमाट कौन सी बस जाएगी। तो चलिए मनमाट की बस आ गई है, चलते हैं अंदर। चलो भाई अंदर चलते हैं,
एक मिनट भाई, थोड़ा सा साइड बढ़िया इधर। अपना बैग इधर रख दिया, अगली सीट पे बैठा हो क्योंकि उतरने आसानी होगी। तो चलिए बस स्टार्ट हो गई हमारी। बरोबर है कि नहीं? एक रुपए मेरे टिकट भी निकाल दिया रास्ते में। तो चलिए गाइस फाइनली मनमाड़ रेलवे स्टेशन आ गया है, तो तैयारी में दो। चलो 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 चलो, एक मिनट बोले तो नहीं ना भाई। चलो भाई मनमाड़ रेलवे स्टेशन। चलो 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 अलहमदुल्ला चले स्टेशन चलते। नहीं बाबा आज में ये टेंशन मत लो, यहाँ पे से जाने का पाँच क्या बोलते अपना 30-40 रुपए ले लेंगे। इधर बाजू में राइट मार के लेफ्ट मारेंगे, फिर उसके बाद मनमाड़ स्टेशन पहुँच जाएंगे। यहाँ पे रिक्शे में जाएंगे ना, आगे है ना, आगे वाला तो बहुत समझ लो आधे घंटे में पहुंचा दिए हम लोगों बस वाले अंकल। बहुत अच्छा मस्त माशाल्लाह, अभी जाके उधर बैठेंगे थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, बस का ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। चलिए फटाफट उतरते हैं। तो पहुंच गए। चलो भाई ये वाली ट्रेन आई है, लेकिन ये अपनी नहीं है। ये देखो बहुत बिल्ला नाम है इसका। तो चलो आगे चलते हैं, अपना D5 है। तो D5 यहाँ पे नहीं, उधर कोने में जहाँ पे पिछली बार था ना वही अपना D5। तो चलो उतना दूर जाना पड़ेगा। अभी भी बहुत दूर बाकी है यार। तो चलिए पहुंचने वाला हूँ D5 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और बाजू में है 6। अपना D5 आगे है, अभी नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत टाइम आना, ट्रेन को बहुत टाइम है आने के लिए इस वजह से। यहाँ पे छावे यहीं बैठ जाते हैं भाई, वहाँ पे बहुत धूप है। चलो मैं फ़ोन कर लेता। तो सोलिहा से बात कर लिया, बता दिया मैं मनमाड़ स्टेशन पहुंच गया हूँ, वरना जब जैसे टेंशन ले लेंगे। तो वहाँ से यहाँ पे आ गया मैं। अब नाश्ते में तो अम्मी ने अंडा और रोटी दे दिए थे, तो यहाँ से कोई पानी के बॉटल ले ले, तो बैग पीछे रखा हुआ है, बस ऐसा ध्यान देते रहूँगा वरना आग बंद बैग गायब हो जाए, हो सकता है भरोसा नहीं। चलो फटाफट पानी की बॉटल ले लेते हैं यहाँ से। तो गाइस ले लिया मैंने पानी की बॉटल। अच्छा हुआ मैंने बैग खोल के देख लिया है, देखो पूरी खांसी की सिरप जो लेकर आया था ना पूरी गिर गई, और मेरे चार्जर पे भी लग गया यार। अल्लाह अकबर, चार्जर अभी देखो सही है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा यार। शिट, पूरा इसके बीच में ना पूरी दवा घुस गई थी। ऐसा तो ख़राब नहीं होएगी इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ अभी खांसी की दवा को ना इसी सामने रखता हूँ बस, इसके आजू बाजू अभी सिर्फ पानी के बॉटल रखूँगा, ऐसे चार्जर बिर्जर नहीं रखूँगा। मेरे को मालूम ही था गिरने वाला, लेकिन फिर भी मैं बोला चलो ढक्कन अच्छे से बंद है नहीं गिरेगा, लेकिन क्या बोलेंगे यार, अभी खोल के देख लिया मैंने तो गिरा हुआ था पूरा, उसको अलग रखते हो या जेब में रखते हो उसको। यार यहाँ पे ना बहुत धूप है, तो मैं वहीं जाके पहले जहाँ पे खड़ा था ना 6 में, वहीं जाके खड़े हो जाते हैं वरना मुझे वाट लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी लोग चेंज कर डालते हैं, D5 उधर पीछे आता था और अभी मुझे आगे जाना पड़ रहा है, बहुत आगे। ये देखो ये D7 है, आगे D6, फिर उसके बाद में D5। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, D5 पे खड़ा हूँ मैं, तो बस अभी रुकेगी तो चलते हैं इसमें। D4, D5। तो चलिए ये वाला डब्बा है हमारा, देखिए
तो ये वाला डब्बा है हमारा पूरा खाली खाली है। तो चले चलते हैं अंदर। बस भाई रुक जा। चलिए भाई तो रुक गई हमारी ट्रेन, चलते हैं अंदर और ढूंढते हैं अपनी सीट। देखिए 96 सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया हूँ ट्रेन में, सामान भी रख दिया ऊपर में। ट्रेन के आगे का हिस्सा देखो ऐसा रहता है। फैन देखो ना कैसा चल रहा है, अभी तो लगने स्टार्ट हुआ है। चला लाला झटका ले लेके चल रहा है। हाँ हो गया। तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है देखो। तो अभी आ गया है नासिक रोड देखिए, और मैंने टिफिन निकाल लिया। चलो फटाफट, बहुत भूख लग रही है, खाना खा लेते। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:20, और यहाँ पे पानी रखने वाला कुछ है भी नहीं, तो इसे वैसे इधर पे रख दिया साइड में। आइए फ्रेंड्स अंडा और रोटी के मजे लेने। नाश्ता वगैरह सब करके हो गया है। देखिए इधर पे ट्रेन रुकी है, शायद ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई ट्रेन में, इस वजह से रुकी है। देखो सब लोग आ गए हैं, और यहाँ से ना बहुत आवाज़ आ रही थी करके, जैसे क्या कुकर की सीटी बसती ना वैसी। बस नासिक आने में थोड़ा सी दूर था, देखो उधर ही था। नहीं यार ज़्यादा दूर है, बीच में रुक गई है। कुछ तो हुआ है मैटर बहुत बिल्ला वाला। हो गई चालू हो गई। और ये बैग मैंने आगे रख लिया, उसे पैर रखने का हम आएगा मस्त। थोड़ा सी दूर था नासिक रोड, देखो सब उतर उतर के पैदल ही आ गए। नासिक रोड में गर्दी देखी फ्रेंड्स, गर्दी फटे पब्लिक भरती है। देखें फटे लोग आते हैं नासिक रोड। ऐसा लगता है पूरी ट्रेन ना सिर्फ नासिक रोड से ही भरी जाती है। पीछे चिल्लम चिल्ली गया वाला, ऐसा लगता है फंडा हो रहा है चढ़ने के लिए। पहले मैं चढ़ूँगी। और एक रोटी और थोड़ा सा अंडा खाया, क्योंकि हल्का नाश्ता करूँगा तो ट्रेन में सही रहेगा। ज़्यादा खा लूँगा ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हल्का नाश्ता करके बैठा। ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा है, मतलब अभेड़ उम्र ज़्यादा है 50 के ऊपर वाले। तो चलो आगे आगे पब्लिक को चढ़ने की जगह। तो देखो सब लोग गर्दी लगा के बैठे हुए हैं। अभी तक तो मेरे बाजू में कोई नहीं आया, और देखते हैं कि कौन आता है मेरे बाजू में। अभी पहुँचे हैं कल्याण, तो देखिए कल्याण पहुँचे हैं, इसके बाद थाने, फिर दादर। बहुत समझ लो बहुत ही टाइम, मुझे लगा कि 5 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये क्या ज़्यादा टाइम ले रहे। 4 बजे तक का वो टाइम था, अभी मेरे ख्याल से 4:30 बज जाएंगे। और बाजू में देखो ये वाले अंकल थे मेरे, इतना सताए मुझे, बार बार खिड़की के पास आकर थूक रहे, मेरे सामने थूक रहे, एकदम इरिटेट फील हो रहा था। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, अच्छा मुंह बंद करके बैठा था, मुझे जाने दो बेटा। अब जो है कुछ नाश्ता करेंगे, क्योंकि एक ही रोटी खाया था मैंने और रख दिया था वापस। मोला जब कहीं कल्याण वगैरह पहुँच जाऊँगा तो खाऊँगा। निकालते हैं और थोड़ा सा खाते हैं खाना। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को अंडा रोटी खाने के लिए, फिर से तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अगला स्टेशन दादर, बैग वगैरह चप्पल उप्पल पहन कर तैयार हूँ। जैसे क्या लंबी बिल्डिंग है देखो, चलो। तो फाइनली पहुँच गए दादर। चलो फटाफट अभी मलाड की टिकट लेते हैं और चलते हैं मलाड। बोला था ना मैंने 4:30 बजेंगे, तो 4:30 बज गए हैं, परफेक्ट। चलो। टिकट के लिए लाइन देख रहे हो, बाप रे फटे लाइन लगी हुई है। चलो इसी लाइन में खड़ा हो गया, फटे लंबी है। देखिए वहाँ पे बैग रख दिया सामने, बस 5-6 लाइन और। एक मलाड क्या
ना, तो ले लिया मैंने टिकट। चलिए अब चलते हैं नंबर वन प्लेटफॉर्म पे, टिकट वगैरह सब निकाल लिया है। देखो चलो 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 चलो, यहाँ से फिसल गुड्डी खेलेगा मेरा बैग, ठीक है। भाग रहा ऑटोमेटिक, आराम आराम से, आराम से चल छोटे, ठीक है, जगह पर चल लेना। चलो भाई उतर गया और नंबर पर, नंबर पर पब्लिक देखो क्या भाग रही है। चलो भाई इधर ही खड़े हो जाते हैं, बस आने ही वाली है। One hour later. तो फाइनली गाइस आपका भाई पहुंच चुका है अपने घर के करीब, और ये गली को मैं बहुत मिस कर रहा था। देखो पूरी सुनसान गली है यार। एक बात तो है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं बदलाव हुआ। और देखो मेरा अब्बा भी सामने खड़े यार, अब्बा कैसे कैसे करके लेकर आया हूँ मैं, उसको पता है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी नहीं किया, खैरियत? तुम्हारा बैग वैसी की वैसी है, बस थोड़ी चैन खराब हो गई और थोड़ा गंदा हो गया। अब्बा चढ़ते हैं ऊपर, जाओ मैं भी उतर नीचे। अच्छा अभी उतरेगा तो ठीक है, मैं लेके चढ़ता हूँ। अरे माँ मेरी हालत खराब हो गई। वाह क्या बोलते मेरे गली वालों, याद किए कि नहीं मेरे को कोई, मेरे को याद किया कि नहीं? अरे अच्छा माशाल्लाह। अभी बस 22-23 तारीख को वापस, लास्ट महीना चल रहा है। चले भाई बैग चढ़ा लिया मैंने ऊपर, अल्लाह अकबर। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अंदर घुसते हैं, कड़ी बहुत जाम हो गई। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह मेरा घर का हाल तो वैसी के वैसी है यार, एकदम फुल चकाचक, जैसे छोड़ के गया था वैसी, कुछ भी नहीं बदला। बस ये बहुत थक गया, 8 नंबर क्या बोलते अपना रिक्शा वाले ने मुझे 7 नंबर छोड़ा, मैं बता नहीं पाया क्योंकि मेरी बैटरी एक ही पॉइंट थी, इस वजह से मैं बोला गली में जाऊंगा तभी बताऊंगा। तो अभी जस्ट आया घर पे, बैग चढ़ा के हालत खराब हो गई। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई पहुंच गया। तो जस्ट आया वसीम भाई के घर पे से खाना वगैरह खा के, क्योंकि जब मैं कल्याण पहुंच गया था ना, तो ही वसीम भाई का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि आएगा तो खाना मेरे घर पे खाने आ जाना। मैं बोला ठीक है 6 बजे, तो यहाँ पर मैं समझ लो 6:30 बजे पहुंचाऊँ। जैसे ही एंट्री मारा वैसे थोड़ा सी ब्लॉग बनाया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच ऑफ क्या बोलते अपना चार्जिंग पे लगा के गया था, वहाँ से खाना वगैरह खा के आ गया हूँ। और अमीर भाई के बीवी मेरी मतलब अमीर भाई के बीवी बच्चे भी आ गए हैं, अहाना और समीर भी आ गए हैं, तो अब जा रहा हूँ उन लोग के घर पे, उन लोग से मिलने के लिए। वसीम भाई घर पे गया, बच्चे लोग से मिला, तो वो तो व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल चार्जिंग नहीं थी। तो इंशाल्लाह फिर जाऊंगा तो वापस बना लूंगा उन लोग के साथ वीडियो। तो अभी जाता हूँ अमीर भाई के घर पे, देखता हूँ वो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, तो फटाफट मिलते हैं, चलिए वहां पर। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। तो फाइनली मैं पहुंच गया अमीर भाई के घर पे, और ये देखिए मेरी अहाना को। अहाना ये क्या है? अरे बाप रे बाप, अबे इधर देखो इधर पे, अरे अल्लाह ये क्या हो गया? कलर बाप रे बाप, अबे कितना काला हो गया ये, इसको देखो ये भी कितनी काली हो गई, अल्लाह भगवान। हम तो पाउडर, अबे 3 महीने में लोग नक्शा ही चेंज कर डाले। आना सलाम कर दो जल्दी सबको, इधर आओ जल्दी। हाँ तुम भी करो, कहाँ गए थे तुम? हम अबे 3 महीने में बिहारी भाषा सीख कर आ गए, हम ये करने गए थे, हम वो करने गए थे। और देखो खाना खाई लो, हाँ ए गुलवा खा, खाना खाई लो ये बोलती है। क्या क्या बोलते, क्या बोल रहे थे तुम? खाना पका दे ले। तो इधर पे देखिए बच्चे लोग का यहाँ पर खाना बनाना चालू है, बाप रे बाप सब में पानी भरा हुआ। क्या बोलते जाए ना, तुम भी आ गए माशाल्लाह, तुम भी काले हो गए यार।
अरे अल्लाह, गोलू के ऊपर बहुत बहुत गोलू को देख रहा ना, मेरे को बहुत हंसी आ रही है, एकदम कलवा हो गया, कलवा एक कलवा हम लोग के लिए ये लेकर आया था। हेलो, तीनों जन खावा। हाँ हाँ, तुमने तुम्हारा फोन आया था बराबर। हाँ हाँ, दिखा दिया था मेरे, कलवा कलवा। अरे तुम लोग तीनों जन खाओ, ठीक है, जना पापा को भी दो, ठीक है, ए जना पापा को भी दो, तुम लोग तीनों जन खाओ, मेरे को मालूम नहीं था वो भी है ना, इसीलिए पर ऐसा बोला कच्ची करनी मम्मा खलवा। तू बोल, तू बोल, कोची करनी, कोची करनी मम्मा खलवा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ओ कोची करनी मम्मा खलवा का मतलब क्या है? कोची करनी मम्मा खलवा का मतलब क्या है? हाँ, आमिर भाई बिहारी तो भी ना, आमिर भाई यूपी वाले, यूपी वाले। अच्छा मामा खालू क्या कर रहे, काम कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अम्मी खालू, अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मा खलवा, अच्छा ऐसा है क्या? बहुत बहुत हिंदी भाषा है। अरे इन लोग तीन महीने में बिहारी भाषा करने लगे, वहां जाके क्या बोल रहे तुम उसको, क्या बोल रहे? अरे देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कोची करनी मम्मा। मैं आ गया था अपने घर पे, और ये देखिए अब्बा ने वो काले वाले टेबल को माशाल्लाह कितना मस्त कलर मार के लेकर आ गए, एक नंबर लग रहा है, ऑयल पेंट है पूरा, अभी अभी जस्ट मार के लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह सूखा नहीं है कलर। और क्या बोलते अब्बा, ठीक है? बस इधर ही बाजू में काम चालू है क्या? माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। हो गई ना छुट्टी, हो गई ना? नहीं बाकी है। ओहो, अभी बज गए हैं रात के 10:15, और घर की पूरी सफाई वगैरह भी हो गई है, सिर्फ बर्तन वगैरह धोना है, वो सुबह में धोऊंगा क्योंकि पानी नहीं है, कल पानी लूंगा 10-5 जो भी है, तो कल इंशाल्लाह बर्तन भी धो लूंगा, कपड़े भी धो लूंगा, और कल एक दिन, मतलब समझ लो कल एक दिन छुट्टी करूंगा, परसों से इंशाल्लाह काम पे लग जाऊंगा। और ये देखिए जो दरवाजे के पीछे क्या बोलते अपना ये था ना स्टैंड टंगाने वाला, तो पहले इधर पे लगा था दरवाजे के, अभी दीवार में ड्रिल मशीन से खड्डा करके लगा दिया हूं, और ये देखिए खिड़की पे ये लगा दिया हूं, माशाल्लाह कितना मस्त लग रहा है ना। तो अभी जाऊंगा खाना खाने, बस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।